तो एक तरफ किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, दुनिया को डरा रहा है, तो वहीं किम जोंग उन की बेटी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई है। किम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी। नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने अपनी पत्नी री सोल जू और बेटी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासांग 17 का परीक्षण देखा। मुख्य रोडोंग सिनुमुन ने कुछ तस्वीरें जो प्रकाशित की थी उनमें किम अपनी बेटी के साथ मिसाइल का परीक्षण देखते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में किम की बेटी सफेद रंग की जैकेट और लाल जूते पहने नजर आ रही है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने पहली बार किम की बेटी का जिक्र किया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। केसीएनए ने किम की बेटी के नाम और उम्र के बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं दी। जानकारों का कहना यह है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के 3 बच्चे हैं, इनमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो पहली बार दुनिया के सामने तानाशाह की बेटी आई है, उसकी झलक दिखाई दी है। किम जोंग ने बेटी को मिसाइल टेस्ट दिखाया है, कैसे परीक्षण मिसाइल का किया जाता है, पूरे परिवार को दिखाया। किम जोंग बेटी को मिसाइल लॉन्च के दौरान वहां लेकर पहुंचे। आखिर इसका मकसद क्या था? पूरी दुनिया को अपनी हरकतों से हैरान परेशान कर रहे हैं। अब परिवार के साथ मिसाइल लॉन्च करते हुए नजर आए। परीक्षण कैसे होता है मिसाइल का, ये बच्चों को भी सिखा रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। तो रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, ये परिवार के साथ मिसाइल का परीक्षण दिखाना, क्या मानते हैं, क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? वंदना, बहुत क्लियरली जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में उनके परिवार को राज करना है और वह इस चीज को बार बार अपने देश के सामने लाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि उनका परिवार ही नॉर्थ कोरिया को आगे ले जाना चाहता है। गौरतलब बात यह है कि किम जोंग के पिताजी और उनके ग्रैंडफादर ने भी नॉर्थ कोरिया पर राज किया था। अब वो धीरे धीरे अपने वंश को, यानी अपनी बहन को और अपनी बेटी को भी अक्सर पब्लिक फंक्शन में सामने ले आते हैं। इससे वह नॉर्थ कोरिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड है, यानी उनके बाद नॉर्थ कोरिया किन के हाथ में जाएगा, ये आस्ते आस्ते वह अपने देश की जनता को दिखाना चाहते हैं। हाँ, एक और चीज है, किम जोंग जानते हैं कि उनके देश में एक विरोधी ताकतों की शायद छोटी सी पहुंच होती जा रही है और इस अपने परिवार को सामने लाकर वह अपनी विरोधी ताकतों को दिखाना चाहते हैं कि उनका देश के भविष्य में कोई योगदान होने की संभावना नहीं है। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अपनी विरोधी ताकतों को नरम करने का या उनको कुचल देने का। हाँ, ये तो सनक से बाहर आ गए हैं और अब तानाशाही एक तरीके से दिखाई जा रही है। मतलब पूरे देश पर आप कंट्रोल करिए, जनता को, आवाम को आप परेशान करिए, उन पर तमाम पाबंदियां लगा दीजिए, लेकिन अपने परिवार के लिए कोई पाबंदी नहीं। मोहम्मद अली शाह जी, हाँ बिल्कुल, आपने वंदना जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये डबल स्टैंडर्ड हो गए। ये दुनिया के लिए पाबंदी है, हमारे लिए हम कानून से ऊपर है, हम कानून बनाने वाले हैं, हम तानाशाह हैं, हमारे दादा परदादा हमारे बाप दादा सब भी तानाशाह हुए, ये वो एटीट्यूड हो गया इनका। अब आप देखिए, मुझे लगता नहीं कि ऐसे एटीट्यूड से ज्यादा लंबा, वैसे हालांकि नॉर्थ कोरिया में ना ही चिड़िया कोई अंदर आ सकती है ना चिड़िया बाहर जा सकती है, वो बिल्कुल कट ऑफ है दुनिया से। अब आप देखिए, एक और एग्जाम्पल, एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको अंदर जी, देखिए फर्ज करिए कोई इंसान अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और ये महीनों महीनों तक बंद करके रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके जहन पे फर्क पड़ेगा, हल्का सा वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा वो। तो यही तरीके, यही बात है, किम जोंग उन भी थोड़ा खिसक गए हैं, ये सटिया गए हैं, ये अपने बच्चों को भी कोई गलत काम सिखा रहे हैं। अब आप देखिए, आपने बिल्कुल दुर्प्रवाह से बच्चों को भी ये हरकतें सिखा रहे हैं। अरे अपनी बहन का नाम ले रहे हैं, अपने बच्चों का, लेडीज का, अपने परिवार के नेक्स्ट जनरेशन का। भाई ये ही, ऐसे ही तो लोग तो दुनिया में दब्बा है इंसानियत के तौर पे। अभी हमने बात करी है तुर्की के बारे में, तुर्की में जो 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 जो, जो इंसान जो गलत काम कर रहा है, ये क्या उनसे कम है क्या? बस ये फर्क ये है कि वो वहां पे औरतों का यौन शोषण कर रहा है और यहाँ पे औरतों को ये सिखा रहा है कि भाई मिसाइल टेस्टिंग कैसे होती है। इतनी वार्निंग अमेरिका से मिली है, इतनी वार्निंग दुनिया भर से मिली है, लेकिन इसमें वो अकेले नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है इसमें इनका साथ दे रही होगी चीन,
इनका साथ 100% की बदमाशियों में वो इनके साथ में होंगे और यही चीजें वो सिखाएंगे अगली पीढ़ी को। अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? खून खराबा, ये वो, मारो काटो, यही तो सीखेगी ना। तो गलत बात हुई। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, बच्चों के खिलौने नहीं है ये वो मिसाइल है जो खतरनाक युद्ध में इस्तेमाल की जाती है। वंदना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हथियार हैं इससे ना सिर्फ अमेरिका वरन पूरे विश्व को खतरा है। अगर ये हथियार किसी भी तानाशाह के हाथ में हैं तो उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। ऐसे भी किम जोंग को बड़ा ही सनकी माना जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है अनप्रेडिक्टेबल, यानी वो कब क्यों और कैसे कर दे इसके लिए कोई लॉजिकल नहीं है। यानी नॉर्थ कोरिया किसी वक्त भी ना सिर्फ जापान पर हमला कर सकता है, साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है, अमेरिका पे हमला कर सकता है, वरन शायद एक दिन वो गुस्से में इस मिसाइल को दुनिया के किसी भी देश, किसी भी पश्चिमी देश पर भी लॉन्च कर सकता है। तो पूरे दुनिया को चाहिए इस वक्त कि अलग अलग तरह से नॉर्थ कोरिया पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उसको समझाए, और नॉर्थ कोरिया को जो सपोर्ट करने वाले देश हैं जैसे कि चीन और रूस, उन पर इन्फ्लुएंस डाले कि नॉर्थ कोरिया को आस्ते आस्ते एक मॉडरेट और डेमोक्रेसी के नॉर्म्स कैसे सिखाया जाए इसकी तरफ जाने की जरूरत है। चीन शायद बहुत ज्यादा शह दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन पैसे का भी नॉर्थ कोरिया उपयोग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की तो अपनी जीडीपी इतनी छोटी है कि बीच बीच में सबको आश्चर्य होता है कि इतनी कम जीडीपी और देश में इतनी गरीबी होने के बावजूद वो इतने बड़े बड़े हथियारों को बनाने के लिए करोड़ों रुपए कहां से ला रहा है। यानी अगर हमें अगले 1-2-3 दशक में विश्व शांति की तरफ अग्रसर करना है और दुनिया में भयंकर हथियारों को कम करना है तो नॉर्थ कोरिया को आस्ते आस्ते मनुष्यता की रास्ते पर बढ़ाने की एनकरेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं वंदना एक और चीज बता दूं कि दुनिया में अब आस्ते आस्ते तानाशाहों का वजूद कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो इतने ह्यूमन राइट्स वाले दबाव वाले कार्यक्रम हैं उनको आस्ते आस्ते नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। एक ही तरीका है कि दुनिया चीन को समझाए और दुनिया रूस को समझाए कि इस तरह के तानाशाहों को अग्रसर करके दुनिया में एक अनस्टेबिलिटी का जो माहौल है वो चीन और रूस क्रिएट कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि चीन और रूस अपने को ताकतवर रखें लेकिन नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में रखें। लेकिन देवनाथ जी, सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि जब तमाम प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके बावजूद भी जब अमेरिका की ओर से भी चेताया जाता है, अमेरिका चेतावनी लगातार दे रहा है कि इस तरह की सनक ठीक नहीं है, उसके बावजूद ये अपने परिवार को अब शामिल करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जहन में किस तरह से वो क्रूरता भरने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें साफ बता रही हैं। ये एक चिंता की बात है, दुख की भी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व कम शांति के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। आज अगर नॉर्थ कोरिया के पास इस तरह के हथियार हैं तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ दूसरे तानाशाह भी हैं, हमारे पड़ोसी भी मुल्क हैं जिनको कि न्यूक्लियर हथियार की कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों ने भी न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं और लॉन्ग रेंज डिलीवरी रॉकेट्स बना लिए हैं। शायद दुनिया को यह समझना चाहिए कि इस वक्त दुनिया उस मोड़ पे खड़ी है, उस बारूद के ढेर पर खड़ी है जहां पर अगर एक देश ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो उसका काउंटर जवाब दूसरा देश देगा। अगर नॉर्थ कोरिया इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो उसे किम जोंग को समझना चाहिए कि बाकी दुनिया चुपचाप नहीं बैठेगी, नॉर्थ कोरिया को उसका भयंकर जवाब यूएस की जो इतनी बड़ी न्यूक्लियर फोर्स से उससे मिलेगा। यानी नॉर्थ कोरिया ने अगर गलती से एक छोटा सा भी न्यूक्लियर हथियार दागा तो अमेरिका के पास 6,000 न्यूक्लियर हथियार हैं, अमेरिका तो नॉर्थ कोरिया को 100 मिसाइल दागकर भस्म कर देगा। तो किम जोंग और उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो सलाहकार हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और न्यूक्लियर हथियार से नॉर्थ कोरिया कभी जीत नहीं सकता। एक ही तरीका है, अगर किम जोंग चाहता है कि नॉर्थ कोरिया उन्नति के पथ पर जाए और भविष्य में एक मजबूत देश के हिसाब से आगे बढ़े
उसका एक ही तरीका है कि नॉर्थ कोरिया आस्ते आस्ते दक्षिण कोरिया के साथ, जापान के साथ सहयोग करे, एक मित्रतापूर्ण संबंधों की तरफ आगे बढ़े। अब इस दशक में या अगले दशक तक नॉर्थ कोरिया को इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग कितने गरीब हैं। आप वहां जाइए, वहां पर कैपिटा जीडीपी गांव की तरफ बुरी हालत है। बीच बीच में ऐसे खबरें आती है कि गांव के लोग इस सर्दी के मौसम में उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं मिल रहे, उनको खाने के लिए दवाइयां नहीं है, उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया को अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो अपनी जनता की तरफ डाइवर्ट करने पड़ेंगे, ना कि इन भयंकर हथियारों की तरफ। जी वंदना, बिल्कुल, आवाम को कुछ करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि जब मजबूरी सामने आती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं कैसे अटैक करना है, कैसे परीक्षण होता है मिसाइलों का, वो आप दिखा रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मंसूबे कितने खतरनाक है। शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी और मोहम्मद अली शाह आपका भी तमाम बातचीत के लिए।